नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ BCV बॉस द कॉमर्शियल व्हीकल्स। मेरा यूट्यूब चैनल आईडी नीचे दिया गया है। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो है आईचर प्रो 1059 एंड आईचर प्रो 1059 XP। डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स हमने दो टाइप से डिवाइड किया है, एक सिमिलैरिटीज मतलब जो दोनों गाड़ी में सेम है, और एक डिफरेंसेस जो दोनों गाड़ी के लिए अलग अलग है। अब सिमिलैरिटीज पहले बताएंगे। जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है, 3 to 98 cc का इंजन E483 CRS, 4 सिलेंडर वाला इंजन है, BS4 एमिशन नॉर्म्स है, क्लच 275 mm डायर ड्राई फिक्शन वाला है, गियरबॉक्स आईचर 355D, 5 फ्रंट एंड 1 रिवर्स विद हाइब्रिड GSL टेक्नोलॉजी, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ी का सेम है 230 mm, इलेक्ट्रिकल एंड बैटरी 12 वोल्ट एंड 70 एम्पेयर आवर, फ्यूल इंजेक्शन टाइप कॉमन रेल वाला है, फ्यूल ऑप्शन दोनों गाड़ी दोनों मॉडल डीजल एंड CNG पे चलता है, ट्रांसमिशन टाइप मैनुअल है, स्टीयरिंग टाइप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मतलब कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट जिस टाइप का होगा उसी अकॉर्डिंग पावर स्टीयरिंग हो या फिर मैनुअल हो मिलेगा, क्रेडिबिलिटी मतलब ऊंचाई चढ़ने का क्षमता कैपेबिलिटी वो मैक्सिमम 28% है। बॉडी ऑप्शन दो ऑप्शन में आता है, चेसिस विद केबिन एंड हाई साइड डेक बॉडी। अब डिफरेंसेस क्या है ये आपको बताएंगे। जो पहला वाला कॉलम में बताएंगे वो 1059 का है, जो दूसरे वाले कॉलम में बताएंगे वो 1059 XP का है। अब मेन चीज है पेलोड। पहले वाले का है 3.7 टन, जो कि दूसरे का 4.5 टन है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर एंड 100 लीटर। मैक्सिमम टॉर्क 300 न्यूटन मीटर एट 1200 से 1800 आरपीएम, जो कि दूसरे वाले में 350 न्यूटन मीटर एट 1200 से 1800 आरपीएम। ब्रेक्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स है पहले वाले में, दूसरे में एयर ब्रेक्स का भी सुविधा है। मैक्सिमम पावर पहले वाले में 95 BHP एट 2600 आरपीएम, जो कि दूसरे वाले में 95 से लेके 107 HP एट द रेट 2600 RPM मिलेगा। GVW पहले वाले का है 6450 kg, जो दूसरे वाले का 7200 kg से लेके 7490 kg है। अब बात करते हैं प्राइस के मुद्दे पे। प्राइस रेंज ऑफ वेरिएंट्स ये 8.5 लाख से 11 लाख में आपको मिलेगा, एंड ये इसका एक शोरूम प्राइस है, एंड ये डिफर हो सकता है, वेरी हो सकता है सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट। अगर आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्राइस चाहिए तो आप नियर शोरूम में जाके बात कर सकते हैं। अब गियरबॉक्स स्पेसिफिकेशन में आईचर ने दिया है 3M5D 5-speed मैनुअल विद GSL टेक्नोलॉजी, जिसमें 5 फॉरवर्ड गियर है एंड 1 रिवर्स गियर है। अगर आपको GSL टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए तो नीचे जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने कोशिश की है देने की। नेक्स्ट आता है इसका क्लच। क्लच 275 mm डायमीटर का है, ड्राई फिक्शन टाइप। सस्पेंशन एंड ब्रेक्स। ब्रेक्स सर्विस में जो यूज होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, एंड एग्जॉस्ट में जो ब्रेक्स यूज होता है वो वैक्यूम असिस्टेड ऑटोमेटिक टाइप। सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर के लिए सेमी इलिप्टिकल लेमिनेटेड लीव्स विथ शॉक एब्जॉर्बर्स। अब बात करते हैं प्राइस के मुद्दे पे। सरताज 5252 XM
सरताज HG72XM, सरताज GS HG72, टाटा LPT 407, अशोक लेलैंड पार्टनर, महिंद्रा जायो, ये सब इनका मेन कंपटीटर है, सिमिलर कैटेगरी का गाड़ी है तो ये इनके साथ कंपीट करता है। अब बात करते हैं लोड बॉडी डायमेंशन का, जो कि 1059 एंड 1059 XP दोनों में ही विद जो चौड़ाई है वो 6.6 फीट का है। अब 1059 आता है दोनों लेंथ में, एक 10 फीट एंड 14.1 फीट में, जो कि 1059 XP आता है तीनों लेंथ वेरिएशन में, पहला वाला 12.6 फीट, 14.1 फीट एंड 16 फीट। अब एवरेज माइलेज की बात करते हैं। एवरेज माइलेज इन ऑप्टिमम लोड कंडीशंस 8.2 से लेके 8.8 KMPL देता है। माइलेज जो हमने यहाँ पे दिखाया है वो बेस्ट, वो हमने कुछ सर्वे किए थे ड्राइवर्स के ऊपर या फिर ओनर्स के ऊपर, हमने उनसे भार वाली पूछा कि ये गाड़ी का माइलेज कितना है, तो उन्होंने इस रेंज का माइलेज बताया। तो ये आपका वेरी कर सकता है ड्राइविंग कंडीशन एंड रोड कंडीशन के ऊपर। वारंटी प्रोवाइडिंग बाय कंपनी ने जो वारंटी दिया है वो 1 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर्स ऑन व्हीकल और 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स ऑन इंजन एंड गियर बॉक्स। कलर ऑप्शन ओनली ब्राउन कलर ऑप्शन इज अवेलेबल। कंफर्ट जोन एलिमेंट्स जो कि बहुत अच्छा चीज है इस गाड़ी में, एक तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग है जिसमें आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। 4-way एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट है, मगर मतलब आप लेफ्ट राइट एंड फ्रंट एंड बैक में एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको जो जगह है ड्राइविंग का, ड्राइवर का जगह मैक्सिमाइजेशन कर सकते हो। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले फॉर डाइवर्स इंफॉर्मेशन, मतलब गाड़ी में कुछ फॉल्ट है, कमियां है, कुछ इशू आ रहा है तो वो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले में दिख जाएगा, ड्राइवर को पता चल जाएगा। यहाँ पे एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट फॉर मोबाइल चार्जिंग दिया गया है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर ड्राइवर जाए तो उनका मोबाइल चार्ज रहे। रिवर्स गियर बाजर इंडिकेशन ये सबसे अहम चीज है, ये भी यहाँ पे दिया गया है कंपनी की तरफ से। इसका मतलब है आप अगर रिवर्स गियर में जा रहे हो तो एक बाजर इंडिकेटर चलता रहेगा ताकि पीछे वाले लोगों को पता चलेगा कि आप रिवर्स गियर में गाड़ी ले जा रहे हो। टायर्स यहाँ पे जो यूज हुआ है वो 8/25/16 प्लाई रेटिंग वाला, जो कि हायर फ्यूल इकोनॉमी देता है एंड बेटर कंट्रोल देता है। जो जो फील्ड में ये अप्लाई होता है, मतलब जिस जिस फील्ड में एप्लीकेबल है वो है पाइप्स फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, लॉजिस्टिक्स गुड्स एंड पार्सल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिशरी यूजेस, सीमेंट एंड ट्रांसपोर्टिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूजेस, और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द प्रैक्टिकल रिव्यू ऑफ HR प्रो 1059 एंड 1059 XP। अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा मेल ID kundu.subhasis921@gmail.com है एंड मेरा यूट्यूब चैनल ID भी दिया गया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कमेंट भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।